यार मैं BTS आर्मी हूँ जो भी है भाई रुक जाओ मैं कैमरा बंद करके Assalamualaikum everyone and Ramzan Mubarak to all of you guys. तो गाइस ये जो है मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड एनीवेज तो रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू गाइस. तो ये रमज़ान का दूसरा अशरा है और आज है बारहवीं अफ्तारी. ठीक है तो मुझे सिर्फ व्लॉग बनाना भी आता नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ. तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं अच्छे से व्लॉग लाऊंगी आपके लिए तो गाइस ये जो व्लॉग है मैं अभी असर की नमाज पढ़ के हटी हूँ तो आप लोगों ने मुझे बताया किस किस का रोज़ा है. तो ये जो मैं एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेरी शाम की रूटीन क्या है, मतलब शाम को मैं क्या क्या करती हूँ भाई. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. मैं लाइक लिटरली मेरी हमेशा ये है कि मैं शाम को छत पे जाती हूँ छोटा होते लेकर अभी तक, क्योंकि हमने रखे हुए मुर्गियाँ और यू नो व्हाट गाइस आई हैव एन ऑब्सेशन विद एनिमल्स. लिटरली मुझे एनिमल्स इतने पसंद है कि मैंने एक मुर्गा भी रखा हुआ है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. और मुझसे व्हाट एक लड़की ने मुर्गा पाला हुआ है? हाँ भाई मैंने पाला हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगी अभी. अब मैं आपको अपनी छत लेके जाऊँगी, क्विक सा टूर करवाऊँगी, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा देती हूँ. सो गाइस आई एंटर इन द रूम. सो यहाँ पर मैंने कुछ लाइक क्यूट क्यूट से ये बनाए हुए थे क्ले के चीज़ें. तो आई होप यू लाइक इट. पर अगर आपको ये अच्छी लगे तो मैं आपको ट्यूटोरियल ज़रूर बताऊँगी. ये तो मैंने अभी न्यू बनाया है, जो मेरे पास बाद में जो पैकेट भर के रखा हुआ है ना वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी. सो कुछ मैंगोज हैं, बर्गर और कुछ स्पैगेटीज एंड फ्रेंच फ्राइज. ओप्स लुक एट दिस, ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है. आई लव माई वर्क, लिटरली मुझे इतना मज़ा आता है क्ले की चीज़ें बनाने में एंड आई लव आर्ट. सो या आई एम श्योर यू गाइस विल गाइस से कि क्या गंद मचा हुआ भाई. ओ भाई ये गंद वंद नहीं मचा हुआ मैंने, ये जो है इट्स अ क्यूरियल डेस्क और इस पर मैंने कुछ क्यूट क्यूट से मैंने ये लगाए हुए हैं वॉल से खुद. ये और इनमें क्रेयॉन्स हैं और ये कुछ क्लेस हैं और इनमें से मेरे पेंस और ब्रशेस हैं और कुछ स्लाइम है क्योंकि मुझे स्लाइम बहुत पसंद है. और यहाँ पर जो टूल्स होते हैं ना जो इन क्ले के साथ आते हैं तो ये मेरे पास बहुत सारे क्योंकि ख़त्म करती रहती हूँ, आए दिन ले आती रहती हूँ जो भी है. तो यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ फालतू छोटी छोटी चीज़ रखी हुई है तो डेकोरेशन. तो यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाना था, ये मैंने किचन बनाई है क्ले से, अपने हाथों से खुद बनाई है. और वैसे कि कैसे अगर आपको चाहिए ना यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, बनाकर दिखा सकती हूँ, लिटरली दिखा सकती हूँ. जुड़ गई तो मतलब मैं बहुत फालतू बोलूँगी और आप लोग मेरी फालतू बातें सुनेंगे बस. तो यहाँ पर मैंने क्यूट सा एक भालू रखा हुआ है क्यूट. और ये जो आपको डायरी नज़र आ रही है इसका मैं आपको बाद में टूर दूँगी क्योंकि लिटरली इसके अंदर सारी BTS के ऑब्सेशंस हैं क्योंकि बिकॉज आई हैव एन ऑब्सेशन ऑफ BTS टू. यार मैं BTS आर्मी हूँ जो भी है. चलते हैं चलते. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ छत पर जाकर अपना छोनू मेरा मुर्गा जो मैंने पाला हुआ भाई. चले बन गए थे लाइट्स क्योंकि लाइट बिजी जाए हो. चलते हैं ऊपर. फर्स्ट ऊपर जाने से पहले हमने ये घास लेना है बकरों के लिए. भाई हमारे बकरे घास खाते हैं पर ये नहीं लेके जाएंगे क्योंकि भाई हमने ऑलरेडी काट के रखा हुआ है तो वो अलग देंगे. सो ये जो है हमने यस बकरे रखे में आज आपको एक क्विक सा छत का टूर देने वाली हूँ और यू विल गोना लव इट आई होप. ठीक है सो या ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा बट इट्स ओके, पहला ब्लॉग है, हर चीज़ तो दिखाऊंगी ना. तो हाँ इसको तो थोड़ा चलते हो. ये है वो जिसके अंदर हमने काट के घास रखा हुआ है बहुत सारा. तो या इसके अंदर हमने ये देखे सो या इसके अंदर काट के रखे कि हमारे बकरे काट के खाते छोटे बच्चे रखे हमें बकरे हमने क्योंकि भाई बड़े बकरे हमारे मतलब ना आई जस्ट लव एनिमल्स. मैंने जबरदस्ती रखा है मैं घर पर इट्स ओके यार कुछ नहीं होता. तो एनिमल्स से प्यार करना सीखें गाइस और कमेंट्स में बताएं किस किस को एनिमल्स पसंद है मेरी तरह. अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको अभी क्विक सा छत का टूर देने वाली हूँ. सो प्लीज़ के फ्राइडेज के अब मैं आपको छत का छोटा सा टूर देने वाली हूँ अगर आपको पता चल जाए, क्योंकि मेरे रोज़ के ब्लॉग आएंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई कहाँ क्या चीज़ है. तो यह इतनी बड़ी नहीं है, मतलब छत बड़ी है पर इतना जगहें नहीं है ना कि मैं आपको बहुत बड़ा टूर दूँ. तो एक छोटा सा एक सेकंड का टूर भी होगा वो आ जाता है मुझे लगता है. जो भी चले चलते हैं ऊपर, इसको तो उठाने ही भूल के चले ऊपर चलते हैं. चले 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 जल्दी जल्दी चलते हैं. सो
तो अब मैं आपको जल्दी से एक टूर देने वाली छत का। फर्स्ट मैं ये वाली चप्पल पहनी हुई कि भाई साफ फ्रेंड्स आई थे वो जब मैंने चप्पल पहनी है। अब मैं आपको यहाँ से छत का टूर देने लगती हूँ। तो फर्स्ट वाले ये देखिए थोड़ा सा गंद मत मचा हुआ है तो इतना कॉल मत करें प्लीज़। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे कुछ पेंटें वगैरह रखी हैं और ये कारपेट है ये हमारा नहीं इतना बता दूँ। तो ये पहले इतने पसंद है वहाँ पर बड़ी सतर यहाँ पर थोड़ी छोटी वाली ये जो चार पे आप देख रहे हैं हमने इसलिए रखी थी हमारी मुर्गियाँ हैं वो इस साइड पर आ जाती हैं यहाँ पर जाके इतना गंद मचाती हैं और दोबारा पर चढ़ जाती हैं और लिटरली मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर डक है और यहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं तो ये ऐसी पत्थर से खाली और यहाँ पर बोरियाँ वगैरह गन वगैरह मचा पाई वो मैंने दिखाई ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर हमने कपड़ा भी उतारा है इसका ठीक है। सो क्योंकि ये जो है ना चारपाई हमारी हो चुकी थी ख़राब और ये दो तीन सालों से इधर पड़ी हुई थी क्योंकि हमने इधर रखी हुई थी इसके यहाँ पे उस साइड में हमारी मुर्गियाँ थी और बकरे तो हमें अभी एक महीना हुआ है लाए हुए को तो मुर्गियाँ पहले हमने रखी हुई थी। हमारी मुर्गियाँ सारी खत्म हो गई वो मैं कहानी आपको बाद में बताऊँगी इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊँगी वो कहानी। तो ये जो है ना ये हमने ऐसे रखी चार पे क्योंकि इन्हें मुर्गियाँ स्थल पर देती थी और ना यहाँ पर आके गंद बताती थी एंड और वो नीचे आ जाती थी क्योंकि हमने मैंने बताया ना मैंने मुर्गा पाला हुआ है और वो नीचे आ जाते थे सीढ़ियों से नीचे आ जाते थे और घर में आके हमारे घूमते थे भाई क्या मतलब कैसे मान के घर में आ सकते हैं गंदा हो जाएगा घर। तो इसलिए हमने ये चार पे रखी हुई थी इधर ताकि वो ना आ सकें। तो अब वो बारिशें वगैरह हुई थी तो उसकी वजह से कपड़ा जो इस पर हमने लगाया हुआ था पहले बांस थी जो भी होती है वो लगी हुई थी वो फिर ख़राब हो गई थी वो हमने वो उतार कर फिर उसको कपड़ा लगा दिया कपड़ा भी गल गया भाई। तो अब अपने वो ही फाड़ दिया अब हम देखेंगे अब क्या करते हैं। चलिए मैं आपको और आगे का जोड़ देखो आपको टूटी हुई कुर्सी नजर आई ना उसको ज़्यादा गौर मत करने ठीक है। मैं अब आपको बोल ही दिया तो गौर करेंगे तो जब भी मतलब उस पर गौर ना करें वो बहुत पुरानी पड़ी हुई रहने दो उसको। तो यहाँ पर पेटियाँ हैं और यहाँ पर उसके ऊपर कारपेट रखा हुआ है अरे हमारा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कारपेट नहीं है ठीक है। सो एनी वे इसको छोड़ते हैं और हाँ मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ ये देखिए ये जो है यहाँ पर हमारी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर मुर्गियाँ जाती थी नीचे। सो हाँ ये यही था तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ भाई थोड़ी सी नर्वस सी हो रही है जो भी है। और मैं आपको यहाँ से आसमान दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है गाइस लिटरली आई लव स्काई मतलब हु डजंट हर किसी को अच्छा लगता है आसमान। पर मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ मैं यही सोच रही हूँ कब से कि कितने लाइक्स आएंगे भी इस वीडियो पे इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह आप लोग प्यार देंगे तो इंशाल्लाह आएंगे ना भाई। और ना मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बोल रही हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ भी रही है क्योंकि बस मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ तो क्या नहीं बोलूँ। चलें जो भी मतलब मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट ब्लॉग है और मैं इस तरह ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो थोड़े चलें अब मैं आपको आगे टूर देती हूँ ठीक है। अच्छा तो गाइस यहाँ जाकर हमारे पास हमें बहुत बड़ी छत है तो फर्स्ट मैं बता दूँ यहाँ पर एक छोटी सी जगह है अगर बारिश वगैरह आती है तो आप छुप सकते हैं जज करेंगे इतनी अच्छी बात चल रही है। और ना ये देखिए ये लाइटर है और ना यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह पड़ा हुआ है ऐसे ही रैंडमली और यहाँ पे कुछ बटन वगैरह हैं कि यहाँ पे छत पे लाइट है ना भाई और यहाँ पे एक रूम टाइप है यहाँ पे हमने अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं #मुर्गीज पतली पागल हो गई आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आकर वो मेरा छोटू बच्चा बोला वो नहीं मुर्गा नजर आ रहा है वो अपने बच्चे से वाला वो छोटा बच्चा था। तो यहाँ पर ये रहा वो रूम यहाँ पर हमने ना अभी थोड़ा सा गन वगैरह हो रहा तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ ठीक है। मैं अभी छोटे छोटे से चूजे हैं छोटे छोटे और ये रहा मेरा छोटू बच्चा मेरा बच्चा छोटा था लव हिम सो मच। तो या जो भी है तो ये बहुत क्यूट बच्चा है मेरा और पांच और भी चूजे हैं वो अंदर हैं पिंजरे में और अभी मैं इनको खोलती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो ठीक है। इनको भी मैंने खोल दिया है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सारी मेरी बेस्ट फ्रेंड है तब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये दो मुर्गियाँ मैंने हमारे पास माशाल्लाह बहुत थी पर बीमारी वगैरह आ गई तो उसकी वजह से ख़त्म हो गई। चलिए आप बकरे की तरह सत्य खा रहे हैं घास जा रहे हैं खाओ हेलो वो अभी नहीं डाला अभी मैं डालती हूँ सॉफ ठीक है। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ उसका नाम है चीकू और इसका नाम रखा है गुलाब जामुन पता नहीं क्यों कलर से मैच कर रहा है और ही सो क्यूट बहुत अच्छा क्यूट। मैं आपको थोड़ी देर में इनको खोल कर दिखाऊंगी खेलेंगे ये तो फिर अभी हम खा लेना तो फिर मैं उसके बाद इनको खोलूँगी ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह खेलते हैं चलिए जल्दी से इनको हम घास डालते हैं चलिए जल्दी से इनको घास डालते हैं रुक जाओ भाई रुक जाओ मैं कैमरा बंद करके बाहर रुक जाओ
ये लो छन्यू 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 यार ये तो चौक से खाते हैं। तो मैंने कहा खाना खा दिया है तो पेट भर के खाओ फिर खेलते हैं, ठीक है इनका पेट भरा होता है फिर ये खेलते हैं, चले खाओ शाबाश। तो गाइस अब मैं जाने लगी हूँ नीचे और अब मैं आपको दिखाती हूँ अवतार की थोड़ी बहुत तैयारियाँ। तो उससे पहले नीचे जाने से पहले मैं इनको ये रोटियाँ डाल दूँ भैया को, मतलब मैं ही डालूंगी, मैं आपको डालते हुए दिखाऊंगी। छोटा सा पीस लिया मैंने और ये देखिए लिटरली इतने शौक से खाते हैं ये रोटी कैमरा। चाहे नीचे तो फर्स्ट मैं हैंड वॉश करूँगी और उसके बाद आऊँगी नीचे, बट उससे पहले चप्पल चेंज। सो गाइस मैंने चाह सकी हूँ अब मैं आपको दिखाने लगी थी थोड़ी बहुत अफसार की तैयारियाँ। तो मैंने भी रोटी उनको नहीं डाली थी क्योंकि अभी सफाई वगैरह थी और चाचू बोल रहे थे तो बाद में डाल दूँगा, तो वो बाद में डाल देंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने मैं खेलूँगी चीकू और गुलाब जामुन सब मैं आपको खाऊँगी वो किस तरह खेलते हैं। तो मैंने कुछ सर्दी खा तो दी थी, ठीक है तो अब हम चलते हैं देखने की अफसार की थोड़ी बहुत तैयारियाँ। तो बस जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा मेरी मम्मी भी रोटियाँ ही बना रही थी, तो मैंने बोला क्यों ना इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी माँ रोटी बना रही है और मैंने इसकी वीडियो बना ली है, तो अभी इफ्तारी की तैयारी शुरू नहीं हुई थी तो मैंने इसको फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तो या मैंने लंबी वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, तो फिर भी 16 मिनट्स की बन चुकी है वीडियो व्लॉग मतलब पूरा, तो ये दो पार्ट्स में नहीं है। तो या और यहाँ पर अब मामा पकौड़ी बनाने नहीं है, तो बोला क्यों ना आपको मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर तेल रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, अगेन बता रही हूँ। सो या मैं इसकी तेल की आवाज़ फाइन होने वाली आवाज़ होती है ना वो कसम से बहुत अच्छी होती है, तो मतलब इतनी ASMR लगता है लाइक लिटरली बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं इसको मतलब देखना। मैंने आपको थोड़ी बहुत सी खाने की चीज़ें और ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब हम चलते हैं बाहर ऊपर क्योंकि भाई मुझे अपनी बकरों की याद आ रही है, जिस कड़ी मुझे वीडियो बनानी है मुझे ये वाकई याद आ रही है। फिर ऊपर चलते हैं बस के सो गाइस यहाँ पर ऊपर आकर मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ मैं थोड़ी देर खेल लूँ। तो या तो अब मैंने कैमरा अपने चाचू को पकड़ा दिया और मैं लगी हूँ भागने, और फिर यू कैन सी कि ये कितने शौक से खेलते हैं कितने मज़े से भागते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में ये भी भागेंगे दोबारा। तो अब देखिएगा जब मैं भागी हूँ तो वहाँ पर आ गया, और अब ये देखिए तो जी मैं वॉइस ओवर कह रही हूँ कि फिर उस टाइम तो कैमरा मेरे हाथ में नहीं था जो मैं ब्लॉग बना सकूँ बोल बोल के, तो दैट्स व्हाई मैंने वॉइस ओवर किया। तो जस्ट लोग कहते हैं यार, और यहाँ पर हमने इनको जाना थोड़ा सा घास डाल दिया दोबारा और ये दोबारा घास खाने लग गए हैं, और अब मैं दोबारा भाग रही हूँ और जस्ट लोग कहते हैं यार किसी शौक से भाग रहे हैं। यहाँ पर मैं छोड़ लूँ और यहाँ पर थोड़े से खरबूजे के छिलके वगैरह ये खा रहे थे, तो हमने थोड़े से बीज इनको भी डाल दिए मुर्गियों को ताकि ये भी खा रहे, मतलब ये भी बहुत शौक से खाती है ना, तो दैट्स वन मैं इनको भी डाल दी तो भी खा रही हैं। छोनू को देखे जाएगी तो शौक से खा रहा है क्यूट मज़ा आ गया इनके साथ खेलने का ना, मज़ा ही कुछ और है गाइस लिटरली इतना मज़ा आता है। और जिस तरह ये भागते हैं पीछे, और आई एम सॉरी कि मैंने कैमरा हिला दिया था दोबारा, सॉरी कही मैंने कैमरा हिला दिया था क्योंकि भागते वक्त सांस भी चढ़ा हुआ है ना, मज़ा आता खेलने में। तो मुझे लग रहा है कौन आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा अभी, वो खाने में मसरूफ़ है। अभी एक महीना नहीं गुजरा और मैं इनसे इतना अटैच हो गई हूँ, इतना अटैच हो गई हूँ कि लिटरली मैं दिल नहीं करता कि अलग अलग हो यार, पता नहीं क्यों इतना अच्छे दोस्त बने हैं। और अब जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया ना और मैंने ना मोबाइल थोड़ा नीचे को किया, तो गुलाब जामुन मेरे ऊपर दोनों टांग करके खड़ा हो गया, और मतलब इस फर्स्ट टाइम कि मेरे ऊपर कोई बकरा इतना चढ़ा हो, और मेरे ना एक्सप्रेशन से अलग बोला कि क्या हो गया मैंने कैमरे बंद किया हुआ है। चाची ने मुझे बोला कि तुम क्या कहते थे खेलते हैं कोई नहीं होता कुछ नहीं होता बहुत बोलती हूँ सॉरी गाइस अगेन सॉरी। मैंने सोचा है कि ये वाला जो ब्लॉग है मैं ये दो पार्ट्स में बनाऊँगी, ठीक है तो एक मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा क्योंकि मैंने ना मेरी सांस बहुत चढ़ा हुआ है, मैंने आधी वीडियो अभी बनाई है, मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैंने ये पूरे दिन की बनानी है तो अफतारी के बाद की बनानी है, तो उसके लिए भी मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा ना। तो यार वेट फॉर द पार्ट टू, अभी को कह रही हूँ क्या पता ये हो ही पार्ट टू जब मैं बोल रही हूँ। गाइस मैं आपको चांद दिखाऊँ, वो देखिए दिखा आपको हल्का हल्का सा, तो अभी हल्का हल्का है और मेरा ऐसा ऐसा बड़ा हो जाएगा। और मुझे याद आया एक मिनट, ये याद आया था कि जैसे वो चांद था ना वहाँ पर, ठीक है तो मैं बोल रही थी कि एक दिन उस दिन रात को मैंने देखा था ये चांद उस साइड पर देखा था, तो रात के टाइम ना, और उसकी एक तारा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, और वो एक प्लैनेट था आई थिंक वीनस था, पता नहीं कौन सा था प्लैनेट था, तो वो प्लैनेट था उसके नीचे, बट ऐसा लग रहा था वो इतना क्यूट लग रहा था। और एक और बात, तो
वो सेकंड बात ये है कि ना कौन कौन जानदार ड्रामा देख रहा है हाथों पर करे, मैं देख रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा जानदार ड्रामा और फेरी टेल, ये दोनों ड्रामे मैं अभी देख रही हूँ ना, और बाकी तेरे आने से मैं बातें देखूँगी। और यहाँ हाँ आप लोग बताएँ कि आप कौन कौन से ड्रामे देख रहे हैं, कमेंट करें यार। गाइस अब मैं आपको अफ्तारी के बाद मिलूंगी क्योंकि अब अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है और थोड़ा सा मैं और अपने बकरों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। यस तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूंगी अफ्तारी के बाद, सो सी या, मतलब अफ्तारी के टाइम देख लूँगी, ठीक है, सी या। सो गाइस यहाँ पर मैं बैठी थी फेरी टेल ड्रामा देखने मगर की नमाज के बाद, अफ्तारी हमने कर ली है। मैंने कहा था अफ्तारी की वीडियो में शायद नहीं बना सकूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता इतना गाइस, तो ज़्यादा देर बस भूख लग रही थी, बस पेट में कुछ डालो, फिर मैं फेरी टेल ड्रामा देखने लग गई। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने जीतो पाकिस्तान लगा लिया। जीतो पाकिस्तान के बगैर गाना अधूरा है, मज़ा आता है पाकिस्तान देख कर। एंड यहाँ पर जीतो पाकिस्तान देख रहे हैं और अब मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और ईशा की नमाज़ के बाद हम देख रहे हैं चांद तारा। तो मेरा हो गाइस अब मुझे आ गई है नींद और अब मैं लगी हूँ सोने, बहुत ही हो गई है। तो हाँ मुझे पता है मेरा फ्लाई के बाद कम वीडियो बनाई है, तो ये देखिए देखिए कितने मज़े का है। तो अब मैं लगी उस पर सोने, बाय बाय गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सो यू गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड या लाजमी लाइक शेयर कमेंट्स जल्दी करें, जल्दी 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 कमेंट्स तो करें भाई, अल्लाह हाफिज़।